हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ उषा रंजन और आप देख रहे हैं ऑफिशियल टेक यंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और इसलिए कि मेरा जो मोनेटाइजेशन से वो डिसेबल हो गया था, ठीक है। और मैं बस इसको आप लोगों को शेयर करना चाहता था। ये जैसे मेरा डिजेबल हो गया था मेरा मोनेटाइजेशन यूट्यूब चैनल का, तो मैं बहुत ही अफसोस में पड़ गया था, बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गया था। और ये इंफॉर्मेशन ताकि आप लोगों को दे सको, ताकि आप लोगों को भी इस प्रकार का गलती ना हो, इसलिए, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, मेरा ऑलरेडी एक एडिसेंस अकाउंट था, ठीक है, तो वो मेरे नाम से था। तो मैंने क्या किया, और एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया जहाँ पे फिर से सेम एड्रेस मैंने डाला। जैसे ही डाला, तब एक दिन में ही क्या हुआ, फिर खोल के देखा मैं पुराना वाला यूट्यूब चैनल, तो मेरा डिसेबल हो गया यही वाला चैनल, ठीक है। तो अरे ये क्या हो सकता है, फिर मैंने क्या किया, अरे बहुत प्रॉब्लम फंस गया। तो फिर मैंने क्या किया, ये करने से भी नहीं होता, वो करने से नहीं होता, फिर मैंने क्या किया, टेक्निकल इसरार नाम से एक, आप लोग को शायद देखते होंगे, उसका नाम से एक यूट्यूब चैनल है, क्योंकि वो बंदा जो है बहुत ही अच्छा मूवी बना, अच्छा वीडियोज बनाते हैं, उसका वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं, आप लोग जानते होंगे उसको। और जैसे मैंने उसका वीडियो देखा, तब मुझे मालूम चला कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा मेरा चैनल पे, ठीक है। तो अब मुझे ख्याल है, हाँ, मैंने जो है मेरा एडिसेंस अकाउंट पे मैंने क्या किया, सेम एड्रेस दो बार डाला था, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी आदमी जो है सिर्फ एक ही एडिसेंस अकाउंट खोल सकता है, ये सबको पता है। तो मैंने वो गलती किया, ताकि ये गलती आप लोग भी ना करें। तो मैंने क्या किया, मैंने जो नया वाला जो चैनल खोले हैं उसका एड्रेस मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने चेंज कर दिया, और वहाँ जो मैंने अकाउंट मैनेजमेंट में किया, उसके अंदर जो पर्सनल एक्टिविटी है, ठीक है, पर्सनल इन्फो है, वहाँ से पर्सनैलिटी, उसमें जो पेमेंट मैनेजमेंट सब कुछ चेंज कर दिया, नाम एड्रेस। तब एक दिन के बाद, जैसे चेंज कर दिया, एक दिन के बाद मैंने फिर से आ गया मोनेटाइजेशन पे। वहां आने के बाद मैंने क्या किया, अकाउंट स्कोर अंदर स्कोर, फिर मोनेटाइजेशन टाइप किया मैंने, फिर वहां से आ गया कि उसमें ऑप्शन आ गया कि मेरे पे आप तुम चेंज कर सकते हो कि तुम्हारा मोनेटाइजेशन एनेबल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है आपका जो यूट्यूब चैनल का ईमेल आईडी अलग रहेगा, और जो आप यूट्यूब चैनल पे आप मोनेटाइजेशन एडसेंस के लिए आप मतलब जोड़ना चाहते हैं, वो जीमेल आईडी अलग होगा। तो मैंने क्या किया, अरे ये तो कुछ झमेला है। तो मैंने क्या किया, मजबूर में बनाना पड़ा, एक अलग से जीमेल आईडी में बनाया, और वहां से एडसेंस अकाउंट में एक्टिवेट किया एक दिन के बाद। फिर मैंने जैसे एक्टिवेट किया, फिर यहां से ज्वाइन करके मैंने ऐड कर लिया, आप फिर से मेरा जो मोनेटाइजेशन एक्टिव हो गया। तो ये बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं भी ये बताना चाहूंगा आप लोग को, ताकि आप लोग भी ये गलती ना करे, ठीक है। तो गूगल से खेलना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, गूगल से हमें खेलना नहीं चाहिए, गूगल ही बहुत ही एकदम कड़क होते हैं, ठीक है, थीके? और ये बिल्कुल ऐसे चलते रहता है, मतलब कि हम लोग उसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, एकदम ईमानदारी से साथ चलना पड़ता है, क्योंकि वो ईमानदारी करता है। कोई भी बंदा अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर लेता है, वो कैच कर लेता है गूगल, ठीक है। तो इसी प्रकार यूट्यूब हो, गूगल हो, क्योंकि गूगल जो है, यूट्यूब वगैरह सब गूगल के अंडर से ही है। तो था दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर साथ में।